किसी की औकात नहीं थी कि मुझे बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दे। जी हाँ, ये बोल है खेसारी लाल यादव के। वाह, बंदे ने क्या इज्जत कमाई है भाई। सोशल मीडिया पर अगर किसी की तारीफ हो रही है बिग बॉस कंटेस्टेंट में, यानी बिग बॉस तेरे के जितने भी कंटेस्टेंट थे, अगर किसी की तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर, तो वो कोई और नहीं खेसारी लाल यादव हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने जो इज्जत कमाई है घर में जाकर, वो शायद किसी और बंदे ने नहीं कमाई है। जी हाँ, खेसारी कह रहे हैं कि ये मेरा कल्चर नहीं है कि मैं किसी की माँ बहन को गाली दूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। और रही बात मुझे एलिमिनेट करने की, तो बिग बॉस इसी तरह से मुझे एलिमिनेट करते, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फैंस मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वो मुझे इस तरह से कभी निकाल नहीं सकते थे। किसी की औकात नहीं थी कि मुझे शो से निकाल सके। मेरा 12 जो घर में 12 बजे कंटेस्टेंट हैं, उनमें से किसी से कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उनका एक अलग कल्चर है, मेरा एक अलग कल्चर है। किसी पे थूका था कि करना मैं कभी नहीं चाहता हूँ। रही बात घर की, तो जहाँ अंडे, चाय पत्ती, आटा, मिर्ची के लिए लड़ाई हो रही है, वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। वैसे आपको यहाँ हम ये जरूर बताएंगे कि खेसारी लाल यादव के बिहेवियर के लिए सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है कि खेसारी लाल यादव उस घर के हीरा थे। खेसारी लाल यादव जितने सहनशील हैं, साथ ही साथ सभी के रिस्पेक्ट करने वाले हैं। इस बार खेसारी लाल यादव को इस तरह से बिग बॉस ने जिस तरह से निकाला है, उसके बाद सभी को यकीन हो गया है कि खेसारी लाल यादव स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरा लुक बदला गया उस घर में, वो भी किस लिए, क्योंकि मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाया जा सके। पारस ने ये सब कुछ किया ताकि लोगों को लगे कि मैं कुछ घर में एंटरटेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मजाक बनाया गया, इससे मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं किसी के मजाक के काबिल तो बना। वाओ, व्हाट अ वर्ड। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि एक सच्चा एंटरटेनर कैसा होता है, वो खेसारी लाल यादव जैसा होता है। खेसारी लाल यादव ने यहाँ ये भी मेंशन किया कि मुझे लगा वहाँ नाचना होगा, गाना होगा, लोगों को एंटरटेन करना होगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था वहाँ जाके मुझे गाली देनी होगी। खैर, जो भी हो, खेसारी लाल यादव के लिए हम यहाँ ज़रूर कहेंगे हेड्स ऑफ टू यू मैन, आपने वो कर दिखाया है उस घर में रह के, उस गंदगी में रह कर, जो शायद कोई नहीं कर पाता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।